Hello everyone, I'm Anjali and welcome back to my channel Wander with Jelly and I hope you all are doing very well. So ये video मेरी बाकी video से थोड़ा सा अलग होने वाला है because इस video में मैं बनाने वाली हूँ अपना खुद का shampoo वो भी with just 4 key ingredients. सो काफ़ी टाइम से मुझे अपना शैम्पू चेंज करना था एंड मेरे मॉनसून की वजह से काफ़ी बाल भी झड़ रहे थे और इस मॉनसून में तो मतलब हद हो गई, इतने ज़्यादा बाल गिरे थे एंड आई वाज लिटरली वरीड कि सर खाली ना हो जाए. तो फिर मैंने ऐसे मम्मी को बोला कि मम्मी मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, कोई शैम्पू बताओ कौन सा शैम्पू यूज़ करूँ अच्छा सा. फिर तो मम्मी को शुरू होना ही था एंड फिर तो मम्मी ने जो बोलना शुरू किया कि तुम तो पता नहीं कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, शैम्पू करने से पहले ये लगाओ, शैम्पू करने के बाद वो लगाओ, ये वो. एंड हम तो अपने ज़माने में सिर्फ दो चीज़ें भिगोते थे, उनको पीस के बस बालों में लगाया, उसी से बाल धोते थे और हमारी तो इतनी मोटी 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 चोटियाँ बनती थी. एंड एक्चुअली शी वॉज़ राइट, लाइक उनके ज़माने में उनके बाल इतने मोटे मोटे होते थे और इतने घने होते थे कि उनकी इतनी मोटी मोटी चोटियाँ बनती थी. एंड आई स्टिल हैव पिक्चर्स ऑफ माई मॉम जो रियलिटी ये शो करता है कि हाँ उस टाइम पे काफ़ी अच्छे बाल थे मम्मी के. पहले के ज़माने में लोगों के बाल काफ़ी अच्छे होते थे बिकॉज उसका एक रीज़न भी है, लाइक उस टाइम पे लोगों को चीज़ें बहुत प्योर चीज़ें मिलती थी. फॉर एग्जांपल आपको सब्जियां वगैरह बहुत सही मिल जाती थी लाइक विदाउट अल्ट्रेशन. एंड आज के टाइम पे तो इतना अल्ट्रेशन होता है हर चीज़ में, बी इट मिल्क, वेजिटेबल्स और एनी रिसोर्स दैट वी हैव फॉर आवर फूड, तो थोड़ा डिफरेंस आ ही जाता है. सो मैंने सोचा कि चलो यार मैं भी एक बार बना के देखती हूँ कि कैसा बनता है. एंड देन आई जस्ट ट्राइड इट एंड इट जस्ट टर्न आउट वेरी वेल. सो मेरा जो ऑनेस्ट रिव्यू है अबाउट दिस होममेड नेचुरल शैम्पू, ये मैं आपको वीडियो में लास्ट में बताऊँगी एंड मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा देखें. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. लेकिन एक सेकेंड, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो दिस इज 100 ग्राम्स ऑफ आमला एंड आमला इज रिच इन विटामिन सी विच हेल्प्स टू रीजनरेट द स्किन सेल्स एंड बूस्ट योर हेयर ग्रोथ. सो दिस इज 100 ग्राम्स ऑफ वीटा एंड इसकी एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज की वजह से इट हेल्प्स टू ट्रीट डैंड्रफ and keep your scalp fresh and clean. So this is 100 grams of shikhakai which is a natural foaming ingredient due to the presence of saponin and yahi aapke shampoo mein foam produce karta hai which helps to clean your scalp. Aur yahan pe maine Rita ko uske beech se alag kar diya hai and now I will make powder of these ingredients but separately. यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो पाउडर है वो काफ़ी फाइन ग्राइंडेड हो, बट अगर आप उसको रफली रखेंगे तो भी चलेगा. सो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम्स ऑफ फ्लैक्सीड का भी पाउडर बना लिया है विच इज़ रिच इन ओमेगा 3 एंड हेल्प्स टू गिव ऑल द प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स दैट योर हेयर नीड. नाउ ऑल आवर 4 इंग्रेडिएंट्स आर रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप. अब एक बर्तन में मैं 1.5 लीटर ऑफ वाटर ऐड करूँगी और इसमें रीठा, शिकाकाई एंड आंवला का पाउडर भी ऐड करूँगी. देन इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हाई फ्लेम पे बॉईल होने के लिए छोड़ दूंगी. सो वैसे तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके आसपास वाली शॉप्स पे अवेलेबल हो जाते हैं, बट स्टिल मैं आपके लिए कुछ लिंक्स ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में सो दैट यू कैन ऑर्डर. और जैसे ही इसमें एक बॉईल आएगा उसमें मैं फिर अलसी का पाउडर ऐड करूंगी और अलसी का पाउडर ऐड करने के बाद मैं उसमें 1/2 लीटर पानी और डालूंगी. Now I will leave it to boil till it turns thick. इसमें आप झाग देखो, शिखाकाई की वजह से इसमें झाग कितना अच्छा आ रहा है. So if you want तो आप इन 4 basic ingredients के अलावा और भी ingredients add कर सकते हो, जैसे कि मेथी हो गया, करी लीव्स हो गया या हिबिस्कस के फ्लावर्स या उसकी लीव्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हो. सो ये अच्छे से बॉईल हो चुका है एंड अब मैं इसको एक कपड़े की हेल्प से इसको छान लूँगी, बट मेक श्योर आपको ये गर्म ही छानना है. मैंने इसको छानने से पहले 10 मिनट थोड़ा सा हवा में छोड़ दिया था ताकि इसकी जो गर्माहट है वो निकल जाए, अदरवाइज़ ये निचोड़ नहीं पाता. सो दिस इज़ आवर फाइनल आउटकम एंड जस्ट लुक एट इट, कितना अच्छा झाग आया है एंड इट इज़ ऑल नेचुरल एंड इसका टेक्सचर बिल्कुल मार्केट वाले शैम्पू जैसा है. जस्ट लुक एट इट, कितने अच्छे से ये फोम क्रिएट कर रहा है. Just look at it, how amazingly it is working.
सो नाउ इट्स टाइम टू ट्रांसफर इट इन अ बॉटल. तो मैं ये पुराना एक शैम्पू का बॉटल यूज़ कर रही हूँ एंड जो बाकी का बचा हुआ शैम्पू है उसको मैंने एक बॉटल में रख लिया है फ्रिज में एंड मैं उसको अप टू 3 to 4 months आराम से यूज़ कर सकती हूँ. इजंट इट अमेजिंग दैट हाउ वी कैन मेक आवर ओन नेचुरल शैम्पू एट होम. सो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि इन 4 इंग्रेडिएंट्स की वजह से आपके बालों में कितना ज़्यादा फ़र्क आ सकता है. एंड ये शैम्पू मैंने अभी तक 4 बार यूज़ किया है एंड 4 में से 3 बार इट वर्कड वेरी वेल फॉर मी. सो मैंने जो 3 टाइम इसको यूज़ किया था वो मैंने विदाउट ऑयलिंग किया था. लाइक मैंने अपने बालों में ऑयल नहीं लगाया था जब मैंने इसको यूज़ किया था. बट फॉर द 4th टाइम जब मैंने इसको यूज़ किया था तब मेरे बालों में ऑयल लगा हुआ था तो जो ऑयल है वो नहीं निकला. जो भी नेचुरल शैम्पूज होते हैं उसमें ज़्यादा झाग नहीं होता है एंड यही आपके शैम्पू की पहचान होती है कि अगर आपका शैम्पू सच में नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है तो उसमें ज़्यादा झाग नहीं आएगा. बिकॉज फोम लाने के लिए कंपनीज जो है अलग अलग तरह के केमिकल्स यूज़ करती हैं, सर्फेक्टेंट्स यूज़ करती हैं जिसकी वजह से आपके बाल ड्राई हो सकते हैं. बिकॉज वो आपके बालों के ऑयल को सोक कर लेता है. तो जब आप इसको नॉर्मली यूज़ कर रहे हो विदाउट ऑयलिंग तो ये आपके बालों को काफ़ी अच्छे से वॉश करता है. इवन आपका स्कैल्प को भी ये काफ़ी अच्छे से जो भी डर्ट वगैरह होता है वो निकाल देता है. बट अगर आप ऑयल के बाद ये शैम्पू यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि आपके बालों में तेल रह जाता है. सो ओवरऑल इट वर्कड रियली वेल फॉर मी एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई ट्राइड दिस एंड आई होप कि मैं इसको आगे भी यूज़ करती रहूँ. And I think that's it for this video. I hope you found this video really helpful. And let me know if you're trying this shampoo at your home. Do share your experience with me in the comment section and how it really went for you. And subscribe to my channel. Follow me on Instagram right here. And share this video with your friends and family. And see you in the next video. Bye-bye.